नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रेलवे के द्वारा टुपका डी से तलगाड़िया रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इसी निर्माण कार्य के दौरान कल रेलवे का निर्माणाधीन अंडरपास रोड स्ट्रक्चर भरभराकर गिर गया। इस हादसे में 30 वर्षीय मजदूर नेपाल महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन मजदूर इस हादसे में दब गए थे, जिसमें 3 मजदूर को गंभीर चोट आई थी, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। यह घटना कनारी गांव के समीप सिंबुटाड और बोदनाडीह के पास हुआ है। सिंबुटाड के ग्रामीणों ने बताया कि ठेका कंपनी के द्वारा बिना सुरक्षा मानकों के इस्तेमाल से यह मजदूरों से काम कराया जा रहा था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त ना तो रेलवे का कोई इंजीनियर और ना ही कंपनी का कोई साइड इंचार्ज मौके पर मौजूद था। ग्रामीणों ने ही दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया। ग्रामीणों ने भी माना है कि लापरवाही के कारण ही घटना घटी है और एक मजदूर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के बाद रेलवे या फिर ठेका कंपनी के कोई भी जिम्मेदार लोग मौके पर अब तक नहीं पहुंचे। मालूम हो कि इस अंडरग्राउंड पुल का निर्माण कार्य कठेका कृषि इंफ्राटेक कंपनी को मिला है, जिसके द्वारा इस कार्य को पेटी ठेके कोलकाता की कंपनी अंडासा इंफ्राटेक को दी गई थी, जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा था। हादसा तब हुआ जब ढलाई के लिए रड बांधा जा रहा था, उसी दौरान बांधा गया सेंट्रिक खिसक गया, जिसके बाद पूरा रॉड स्ट्रक्चर मजदूरों के ऊपर जा गिरा। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं था, ना हेलमेट था पहना हुआ था मजदूर लोगों ने, पैर में जूता पहना हुआ था, और बड़ा अधिकारी भी नहीं था यहाँ पर, और ना कोई यहाँ पर साइड इंचार्ज था। मजदूर लोग अपने काम कर रहा था और जो रड जो गिरा, अब गिरने के जब रड गिरा उस समय भी कोई नहीं आया था। गांव ग्रामीण लोग आए, हम लोग साहब आए और पकड़ के उठाए। उठाने के बाद एक गोपाल महतो का पूरा जोर से चोट लगा था और निरंजन को थोड़ा कम चोट लगा हुआ था। उसको जो हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल जाते जाते नेपाल का डेथ हो गया। निरंजन और रामप्रसाद महतो को माथा में चोट लगल है, जो KM मेमोरियल में भर्ती हुआ था। एक चीज बताइए, आप क्या इसमें कोई इन लोग का सेफ्टी नहीं था, इन लोग बहुत लापरवाही था। गांव वालों को बुड़बक बना के कम रेट में काम भी करवाता है, कोई सेफ्टी भी नहीं देता है। इस तरह से बुड़बक बना रहा, क्या कम रेट दे रहा? इन लोग का रेट भी 300 रुपया का रेट देता है, 300 रुपया रेट में काम भी करता था इन लोग। और यहाँ पर कोई देखभाल का बड़ा अधिकारी उच्च अधिकारी लोग कोई भी नहीं, यहाँ पर नहीं था। कुल कितने लोग दबे थे? कुल इसमें से 20-25 लोग में थे, 10-12 लोग दबे हुए थे। कौन कंपनी काम कर रही है? कृषि इंटरप्राइजेस। क्या लग रहा है, सही काम कर रही है? सही काम तो कर रही है, लेकिन अभी तो पूरा लापरवाही था। तो मानते हैं कि रेलवे को जांच करना चाहिए? रेलवे को जांच करना चाहिए, उच्च अधिकारी आने चाहिए। मौत का कारण जो हुआ है वो तो सीधा सीधे एकदम डायरेक्ट कृषि इंटरप्राइजेस पर जाता है। कल यहाँ पे काम चल रहा था पुल निर्माण का, जो अंडरग्राउंड पुल का है, उसी में काम चल रहा था। काम चलते चलते शाम को पता चला हमको 4 बजे कि यहाँ पुल ढह गया, कोई आदमी दब गया है। वही मैं सुन के आया, मैं आके देखा तो वो एक आदमी दबा हुआ था, उसे ले जाया जा रहा था। कंपनी शायद कंपनी के आदमी थे तो उन्हें ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। शाम को मुझे फिर 5:30 बजे पता चलता है कि वो आदमी एक्सपायर कर चुका है। यहाँ पे सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, जैसे मैंने आके देखा तो यहाँ पे जैसे ये काम चलने के लिए पहले तो सेफ्टी शू और सर पे हेलमेट होनी चाहिए, वो नहीं थी उन लोग के पास। सेफ्टी की कोई ध्यान नहीं थी। आप मानते नहीं यहाँ पे आए तो हम वैसा किसी को नहीं देखे, सबको देखे कि पीछे में आए हुए थे, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं थे तब। आप मानते हैं कि लापरवाही से जान गया? एकदम लापरवाही, 100% लापरवाही से जान गई हुई।